दोस्तों, दुनिया में जब सबसे अमीर इंसानों की बात होती है तो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बिल गेट्स जैसे कुछ फेमस नाम ही सालों से टॉप 10 की लिस्ट में दिखाई देते हैं, कभी एक पायदान ऊपर तो कभी एक पायदान नीचे। लेकिन क्या आप बर्नार्ड अर्नोल्ड के बारे में जानते हैं? लग्जरी और फैशन की दुनिया पर राज करने वाले अर्नोल्ड कई बार इलॉन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं, लेकिन उन्हें सुर्खियों में रहने की आदत नहीं है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि लुई विटों, क्रिश्चियन डियोर, सेपोरा और टिफनी जैसे 70 फैशन और कॉस्मेटिक ब्रांड की पेरेंट कंपनी LVMH के मालिक होने के बावजूद भी उन्होंने किसी भी कंपनी की शुरुआत नहीं की, बल्कि बिजनेस करने का उनका अपना अलग ही अंदाज है। और कहा जाता है कि उनकी इस सफलता के पीछे एक टैक्सी ड्राइवर का भी बड़ा हाथ है। तो चलिए, आज की हमारी इस वीडियो में हम बर्नार्ड अर्नोल्ड की दिलचस्प सक्सेस जर्नी और बिजनेस एम्पायर को शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 5 मार्च 1949 को, जब फ्रांस के रूबे में जीन लियोन अर्नोल्ड के घर बर्नार्ड अर्नोल्ड का जन्म हुआ। उनके पिता फेरेट सेविनल नाम की एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक थे। 1971 में फ्रांस के फेमस इकोल कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद अर्नोल्ड अपने पिता के कंस्ट्रक्शन बिजनेस को संभालना शुरू किए और करीब 25 साल की उम्र में ही कंपनी के चेयरमैन बन गए। दरअसल अर्नोल्ड रियल इस्टेट में पैसा लगाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने पिता को कंस्ट्रक्शन डिविजन के कुछ स्टेक बेचने के लिए कन्विंस कर लिए और कंपनी का नाम बदल कर फेरिनल रख दिए। अभी वह अपने रियल इस्टेट बिजनेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा ही रहे थे कि साल 1981 में जब फ्रांसीसी सोशलिस्ट पावर में आई तो अर्नोल्ड का काम करना मुश्किल होने लगा और वो मजबूर होकर अमेरिका शिफ्ट हो गए। वो काफी कश्मकश में थे कि आगे क्या किया जाए। और एक दिन जब वो कैब में कहीं जा रहे थे, तभी बात बात में ही उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि क्या आप फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हो। ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब, पर मैं फ्रांस के क्रिश्चियन डियोर का नाम सुना हूँ। यह सुनते ही अर्नोल्ड का दिमाग चमका कि फ्रांस की सबसे पॉपुलर चीज फैशन डिजाइनर्स और उनकी लग्जरी कंपनीज है। दरअसल उनकी माँ मैरी जोसेफ सेविनेल भी लग्जरी आइटम्स की काफी शौकीन थी और डियोर ब्रांड उनको बेहद पसंद था। अर्नोल्ड के दिमाग में फैशन एंड लग्जरी के फील्ड में कुछ बड़ा करने का प्लान बनने लगा, लेकिन किसी को बताए बिना वो सही समय का वेट करने लगे। और साल 1983 में जब फ्रांस का पॉलिटिकल सिनेरियो कुछ सही हुआ, तब वह घर वापस आ गए। अब समय आ गया था अपने प्लान पर काम करने का और उनका पहला टारगेट था क्रिश्चियन डियोर। साल 1984, क्रिश्चियन डियोर की पेरेंट कंपनी बुसेक सेंट फ्रेरिस ने लगातार लॉस की वजह से बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया था और फ्रांसीसी गवर्नमेंट कंपनी को चलाने के लिए किसी इन्वेस्टर की तलाश कर रही थी। मौका तो अच्छा था, लेकिन अर्नोल्ड अप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें लग्जरी और फैशन इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन किसी भी कीमत पर वो डियोर पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी लेजार्ड फ्रेरिस के एक पार्टनर एंटनी बर्नहम की मदद से एक लग्जरी गुड्स की कंपनी फिनांसिये अगाके को एक्वायर किया और उसके CEO बन गए। फिर उन्होंने बुसेक सेंट फ्रेरिस के लिए बिड किया और क्रिश्चियन डियोर के साथ बुसेक के डिपार्टमेंटल स्टोर लेबून मार्क्चे, रिटेल शॉप कॉन्फोर्मा और डायपर निर्माता प्यूडोस के भी मालिक बन गए। लेकिन अर्नोल्ड ने बुसेक को खरीदने के सिर्फ 2 साल के भीतर ही 9,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया और क्रिश्चियन डियोर ब्रांड और लेबून मार्क्चे डिपार्टमेंटल स्टोर के अलावा बुसेक कंपनी की बाकी बची सारी प्रॉपर्टीज बेच दिए। लोग तो उन्हें दी टर्मिनेटर कह के बुलाने लगे, लेकिन उनके इस कदम ने बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंची कंपनी को फिर से प्रॉफिटेबल बना दिया और अब अर्नोल्ड उस इंडस्ट्री में एंटर कर चुके थे जहां उन्हें लग्जरी ब्रांड्स का एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करना था। साल 1987 में उन्होंने लुई विटों के प्रेसिडेंट हेनरी रेकेमियर और मोएट हेनेसी के CEO एलन सेविलियर के साथ मिलकर LVMH को एस्टेब्लिश करने के लिए काम करना शुरू किए और एक होल्डिंग कंपनी के थ्रू $1.5 बिलियन इन्वेस्ट करके LVMH के 24% शेयर्स अपने नाम कर लिए। 1989 आते आते 43.5% शेयर्स और 35% वोटिंग राइट्स के साथ अर्नोल्ड LVMH में कंट्रोलिंग पोजीशन पर आ गए और कुछ ही दिनों बाद आपसी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने लुई विटों के प्रेसिडेंट रेकेमियर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बाहर कर दिया और LVMH के एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट बोर्ड के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। अर्नोल्ड अपने टारगेट की तरफ अब एक कदम और आगे बढ़ गए थे। उनके डेवलपमेंट प्लान ने अगले 5 सालों में ही LVMH का टर्नओवर और प्रॉफिट 5 times और मार्केट वैल्यू 15 times तक बढ़ा दिया और उसके बाद LVMH के अंडर कंपनीज के एक्विजिशन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज तक नहीं रुका। 1988 में अर्नोल्ड ने सेलिन को एक्वायर किया और उसी साल कंपनी की लग्जरी क्लॉथिंग लाइन का विज्ञापन करने के लिए फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर क्रिश्चियन लेक्रो को भी स्पॉन्सर किया। 1993 में बेरलुटी और केंजो, 94 में परफ्यूम फर्म गेरला, 96 में लो एवे, 97 में मार्क जैकब्स और सेपोरा, 99 में थॉमस पिंक, 2000 में एमिलियो पुची और 2001 में फेंडी, DKNY और ला समरितेन। और इस तरह लग्जरी कंपनीज को एक्वायर करते करते साल 2011 में इटालियन ज्वेलरी ब्रांड बुल्गरी और 2021 में लग्जरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्विजिशन टिफनी एंड कंपनी को शामिल कर आज 70 से भी ज्यादा कंपनीज LVMH के पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो में शामिल हैं। अर्नाल्ड की नजर जिस लग्जरी कंपनी पर पड़ी वह उनकी हो गई। हालांकि एक कंपनी ने अर्नाल्ड को उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। असल में साल 1999 में अर्नाल्ड ने लेदर गुड्स की एक फेमस कंपनी गुची पर अपनी नजर घुमाई, जिसे टॉम फोर्ड और डोमेनिको डी सोले द्वारा चलाया जाता था। अर्नाल्ड ने धीरे धीरे कंपनी के शेयर खरीदते हुए अपनी हिस्सेदारी 34.4% तक बढ़ा लिया। लेकिन गुची का मैनेजमेंट बोर्ड उनके खिलाफ इतनी सख्ती से खड़ा हो गया कि LVMH के साथ एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया और आखिरकार साल 2001 में कानूनी फैसले के बाद अर्नाल्ड को गुची के शेयर्स बेचने पड़े। लेकिन फिर भी यह सौदा अर्नाल्ड के लिए घाटे का नहीं था, क्योंकि शेयर बेचकर भी $700 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। आज LVMH लगभग $400 बिलियन की नेटवर्थ के साथ दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी ब्रांड है और इस कंपनी में अपने शेयर्स की बदौलत बर्नार्ड अर्नाल्ड जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए साल 2021 में कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। और एक बार फिर दिसंबर 22 में लगभग $190 बिलियन की नेटवर्थ के साथ उन्होंने इलॉन मस्क की बादशाहत को भी खत्म कर दिया है। दोस्तों, अर्नाल्ड के अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उन्होंने 1973 में एन देवाबरी से शादी की थी, जिससे उनके दो बच्चे डेल्फिन और अंटवान हुए। और साल 1990 में एक दूसरे से अलग होने के बाद उन्होंने एक कैनेडाई कॉन्सर्ट पियानिस्ट हेलेन मर्सियर से शादी की, जिससे उनके तीन बच्चे अलेक्जेंडर, फ्रेडरिक और जीन हैं। अर्नाल्ड भी आर्ट और म्यूजिक के बहुत शौकीन और एक प्रोफेशनल पियानिस्ट हैं। उनके पास बहुत ही कीमती और वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट के आर्ट कलेक्शंस मौजूद हैं। और साल 2006 में क्रिएशन और कंटेम्प्रेरी आर्ट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने लुई विटॉन फाउंडेशन की शुरुआत की। दोस्तों, अर्नाल्ड के एक्विजिशन और बिजनेस के तरीके पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन जीरो से शुरू करके आज दुनिया के सबसे धनी इंसान बनने तक का सफर उनकी दूरदर्शिता, इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम का नतीजा है, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।